दोस्तों, इस फल को तो आपने अवश्य पहचान लिया होगा। अगर नहीं पहचाना तो चलो मैं बता देता हूँ, ये बेल फल है। अब तो आपको अवश्य ही पता चल गया होगा। बेल फल पेट के रोगों की एक रामबाण जड़ी बूटी मानी जाती है। इसका शरबत बनाकर पीने से पेट के कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। औषध गुणों के साथ साथ ये फल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसके सूखे फल की आहुति यज्ञ में दी जाती है। ये बहुत ही बड़ा पवित्र वृक्ष होता है। इसके वृक्ष को बेल वृक्ष कहा जाता है। इसके पत्र भगवान शिव को चढ़ा जाता है। भगवान शिव को बेल पत्र बहुत ही प्रिय होते हैं। दोस्तों, बेल वृक्ष एक पवित्र वृक्ष होता है। ये जिसके घर के आंगन में लगा होता है, इस पर माता लक्ष्मी और भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। बेल वृक्ष बहुत ही पवित्र होता है। ये पवित्र होने के साथ साथ औषधीय गुणों का भी खजाना होता है। दोस्तों, बेल वृक्ष के पत्र तीन तीन जोड़ों में लगते हैं और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये पत्र पूजा के अलावा औषधीय कार्यों में भी उपयोग में लिया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखें। आज की वीडियो में हम बेल पत्र से होने वाले फायदे की आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बेल पत्र हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से लाभकारी होता है। दोस्तों, बुखार होने पर बेल की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में दो बार सेवन करने से बहुत फायदा होता है। यदि मधुमक्खी या किसी कीड़े ने काट लिया हो तो ऐसी स्थिति में बेल पत्तों को कुटकर उसका रस निकालकर उस जगह पर लगाने से जल्दी ही फायदा होता है और जलन दूर होती है। यह हृदय रोग में काफी लाभकारी होता है। इसके लिए ताजे बेल पत्रों का काढ़ा बनाकर दिन में दो बार सेवन करने से हृदय मजबूत बनता है और हार्ट अटैक का खतरा टलता है। यह श्वास रोग में भी काफी फायदेमंद होता है। श्वास रोग की समस्या होने पर बेल पत्तों का ताजा रस निकालकर सुबह शाम पीने से काफी लाभ होता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में कई लोगों को अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोमल कोमल बेल की पत्तियों को मुंह में चबाने से छाले नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुकाम और बुखार होना एक आम बात है। ऐसे में ताजे बेल पत्रों का रस निकालकर शहद मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से जल्दी ही आराम होने लगता है। दोस्तों, बेल पत्रों का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और आंतों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को दस्त की समस्या होने पर बेल पत्रों का 1-2 चम्मच रस पिलाने से फायदा होता है। दोस्तों, यह मधुमेह में लाभकारी होता है। मधुमेह में बेल के ताजे पत्रों को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर 5 काली मिर्च का चूर्ण मिलाएं। इसे पानी में घोलकर सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे मधुमेह में लाभ होता है। इसके अलावा बेल पत्रों का 10 ग्राम रस सुबह खाली पेट सेवन करने से भी मधुमेह में फायदा होता है। महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी की समस्या होने पर बेल पत्रों के ताजे रस के साथ शहद मिलाकर दिन में दो बार सेवन करने से काफी फायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।